हेलो एवरीवन मैं स्वागत करता हूं आपका मेटामोसिस में और जैसे कि आप जान रहे हैं कि आज मेरे को ये वीडियो लाने में कुछ ज्यादा दिन हो गए हैं और इस बीच में बिजी रहा आपको ये बता दूं कि एल का बैच शुरू हो चुका है और काफी लोग उसमें मुझसे ट्रेनिंग ले रहे हैं और साथ में जो मेरा कोर्स था एल का वो लॉन्च हो चुका है और लेक्चर का भी होने वाला है जितने लोगों ने काफी लोगों ने कोर्स रेडीमेड भी लिया है जो काफी सस्ता भी है और डिफरेंस कंटेंट में कुछ भी नहीं है आप लोग एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा लोगों के बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं उस कोर्स को लेके और आज मैं आपको जो हिस्ट्री वाली जो सीरीज चल रही थी जैसा कि आप जानते हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर तो उसमें मैं एंग्लो नॉर्मन तक आपको बता चुका हूं विद लिटरेचर एंड हिस्टोरिकल एंड सोशल बैकग्राउंड आज हम चलेंगे बहुत इंटरेस्टिंग एज और बहुत इंपॉर्टेंट एज जिसे हम चौसठ से एज कहते हैं और ज्यादातर मैंने देखा है कि लोग इसे आधा अधूरा समझते हैं या फिर इसको केवल फैक्ट को याद करने लगते हैं लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग आपको ले जाएंगे बिल्कुल जिसमें हम कहते हैं कि लिटरेचर इट सेल्फ स्पीक्स टू यू हेयर इन मेटामोसिस तो चलते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट चौसठ से इससे पहले कि हम चौसठ सेज में जाएं, हमें कुछ चीजों को समझना होगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे पहले कि एंग्लो नॉर्मन से जो चीजें चली आ रही थी आप जानते हैं कि मिडिल इंग्लिश बिल्कुल शुरू हो चुकी थी और फ्रेंच लैंग्वेज ने ओल्ड इंग्लिश के साथ अपना एमलगमेशन करके मिडिल इंग्लिश को फॉर्म किया था उसके अलावा इंग्लैंड में लैटिन भी चल रही थी जो कि बाइबल और रिलीजियस टेक्स्ट में मिलती है हमें और भी बहुत सारी चीजें जो चल रही थी एलिटरेटिव जो आ, मीटर था वो एंग्लो सेक्शन का वो भी रिपीट हो रहा था और सिचुएशन में आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि चर्च हमेशा से हावी था तो चौसर की एज शुरू होती है 1340 से और 1400 तक चलती है तो चौसर की एज में जाने से पहले किसी भी एज में जाने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम सीधे उसके कुछ फैक्ट पढ़ लेते हैं जैसे कि हमने कहा कि इस एज में ये वॉर हुए इसके सन पढ़ लो इसमें कौन कौन इन्वॉल्व था ये पढ़ लो ब्लैक डेथ है इसमें ये पढ़ लो कि सन था कि कब रिपीट हुई और फिर और चीजें भी इसी तरीके से कर लो पर ऐसे लिटरेचर आपके कहते हैं ना कि एक एटीट्यूड डेवलप नहीं हो पाता लिटरेरी क्यों क्योंकि हमें जो पता है वो स्केटर्ड है तो मैं स्केटर्ड पर बिलीव नहीं करता आई बिलीव इन बिल्डिंग ब्लॉक्स तो मैं आपको बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह लेके जा रहा हूं चौसर के एज में और अगर आप एक एक चीज को सुनेंगे और लास्ट तक इस वीडियो को देखेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि चौसर की एज में आज के बाद आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो लेट्स स्टार्ट विद स्लाइड आपके लिए मैं नोट्स बना के लाया हूं और नोट्स के ही हिसाब से हम इसको करने वाले हैं तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव तो 1340 से 1400 तक की जो एज है इसको चौसर्स एज कहा जाता है और इस स्पेन में आगे क्या होता है तो किसी भी एज को पढ़ने के लिए हम सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल और सारी बैकग्राउंड को जानना जरूरी है इसी में आपको ले तो टेबल हमारी ये रहेगी आज की कि चौसर्स एज और क्या उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहे क्या सोशल बैकग्राउंड रहे और क्या लिटरेरी बैकग्राउंड रहे तो इसमें हम चल रहे और हो सकता है कि ये वीडियो केवल हिस्टोरिकल और सोशल को ही समझा पाए टाइम लिमिट की वजह से अगर ऐसा हुआ तो लिटरेरी बैकग्राउंड नेक्स्ट स्टेज में हम लोग करेंगे तो शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या बेसिकली एज हमें लेके जाती है और कहा लेके जाती है तो लेट्स स्टार्ट तो चौसर की अगर एज को हम डिस्कस करें तो हमें मिलता है सबसे पहले तीन घटनाएं हमें मिलती हैं सबसे पहली घटना है द हंड्रेड ईयर वॉर जिसे समझना बहुत जरूरी है और ज्यादातर लोग हंड्रेड सन को याद करके छोड़ देते हैं लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है कि ईयर वॉर क्या था तो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से नोट्स के थ्रू ये पूरा समझा दे रहा हूँ कि हंड्रेड ईयर वॉर कैसे था देखिए हंड्रेड ईयर वॉर जो शुरू होता है वो 1337 में शुरू होता है और पूरा जो इसका स्पेन चलता है वो चौदह तक चलता है और बेसिकली जो एडवर्ड द सेकंड उस समय था उसको हम एडवर्ड ऑफ कार्नरफोन भी कहते थे एडवर्ड ऑफ वो इंग्लैंड का राजा था और आयरलैंड का लॉर्ड था तो वो बड़ा रिस्पॉन्सिबल रूलर था तो उस, उसकी रूलिंग स्टाइल और टेक्निक्स बहुत रिस्पॉन्सिबल थी और उसने कोई भी चीजों में लोगों का ध्यान नहीं रखा ही वॉज नॉट द किंग ऑफ पीपल नोबल्स उससे बहुत नाराज थे और इस वजह से आप जानते थे कि दरबार में राजा के बाद नोबल्स होते थे और बहुत सारी जो है हरारकी में नाइट्स थे ठीक है लैंडलॉर्ड्स थे और बैरन्स थे ये सब लोग थे तो उसमें नोबल्स का बहुत बड़ा योगदान रहता था राज दरबार के डिसीजन में तो एक नोबल था जिसमें रोजर मोर्टिमर नाम था उसका रोजर मोर्टिमर्स राजा की इन नीतियों से बिल्कुल भी खुश नहीं था तो उसने क्या किया कि वो राजा की जो वाइफ थी जो क्वीन थी उसे ऑफ फ्रांस बोलते थे और उसके साथ मिलके एक इजाबेलासी की और एडवर्ड सेकेंड को गद्दी से रिमूव कर दिया और उसको हटा दिया उसको हटना पड़ा और जो उसका बेटा था एडवर्ड थ्री उसके नाम पे कि ये राजा जो है बहुत अराजक है सही नहीं है तो हम इसके बेटे को गद्दी में बैठाते और उसके नाम पे बेटे को गद्दी पे बैठा के इन दोनों ने रूल किया उसकी रानी और रोजर मोर्टीमर तो जाहिर सी बात थी इनके बीच में एक काइंड ऑफ अफेयर था तो एडवर्ड थर्ड जब बड़ा हुआ तो इसके मन में ये बात थी कि इसने मेरे फादर को डिस्पोज किया एंड ही इज डिस्ट्रॉइंग माय लाइफ तो एडवर्ड थर्ड ने अपने साथ बहुत सारे लोगों को मिलाया जो पावरफुल लोग थे और उसके बाद मोर्टीमर को पकड़ के एग्जीक्यूट कर दिया और उसे गद्दी से हटा दिया और वो खुद में एक राजा बन गया एम्पर जब एडवर्ड यहाँ पर राजा बना तो उस समय जो इंग्लैंड की फ्रांस में ज़मीनें थी जहां पर इंग्लैंड अपना फ्रांस में जहां जहां कब्जा किया था और ज़मीनें थी किले थे और भी बहुत सारी चीजें थी तो उस दौर पे फ्रांसीसी राजा ने एडवर्ड को संदेशा भेजा कि आपके जो टैक्स हैं और जो फ्यूडल ड्यूटीज हैं हमारे देश में वो नहीं भरे गए हैं और आपको उसको चुकाना है अगर फ्रांस में अपनी जमीन है और जायदाद या प्रॉपर्टी को रखना है लेकिन एडवर्ड थर्ड ने इसको पे करने से साफ डिनाई कर दिया वो पूरी तरीके से अपनी पावर में बिलीव करता था एंड ही डिनाइड टू पे तो उससे ये हुआ कि जो फ्रांस थे फ्रांस फ्रांसीसी लोग थे उन्होंने बेसिकली इंग्लैंड के साथ एक एनिमिटी का भाव रखना शुरू किया और उसके तुरंत बाद फ्रांस ने इंग्लैंड के खिलाफ स्कॉटलैंड को भी सपोर्ट दे दिया तो इस चीज की वजह से जो है इंग्लैंड के अंदर एक फ्रांस को लेके जैसे हम कह सकते हैं कि एनिमिटी का पूरा दौर चल निकला और एडवर्ड्स थर्ड जो है वो फ्रांस से एक तरीके से जेलसी रखने लगा था और यही सबसे जो है एक निर्णायक चीज हुई इसमें और इसके होते ही जो नेक्स्ट सिचुएशन आती है उसमें यह है कि इनके बीच झगड़े होने लगते हैं और इनके बीच बेसिकली uh, डिबेट्स होती हैं और आपस में एक मिसअंडरस्टैंडिंग uh, क्रिएट हो जाती है तो ये सारी सिचुएशन फ्रांस और इंग्लैंड के बीच एक बहुत ज्यादा कंफ्लिक्ट की सिचुएशन शुरू कर देती है और तभी से ये एक दूसरे की टेरिटरी पे अधिकार जमाने की सोचने लगते हैं और इस तरीके से एक युद्ध शुरू होता है जो इंग्लैंड की पूरी जिंदगी को इंग्लैंड वासियों के एक लाइफ जिसे कहते हैं उसको भी बुरी तरीके से प्रभावित करता है और ये होस्टाइल हंड्रेड ईयर वॉर इसी वजह से शुरू होता है और लोग इसे हंड्रेड ईयर वॉर जरूर कहते हो लेकिन ये लगभग 116 साल चलता है लेकिन हंड्रेड ईयर वॉर इसलिए कहा जाता है क्योंकि हंड्रेड इसमें सेंचुरी पूरी हुई है और वो एक बड़ा नंबर है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हंड्रेड ईयर वॉर कह देते हैं और ये वॉर इतना भीषण था कि इसमें इंग्लैंड की इकोनॉमी पूरी तरीके से तबाह हो गई और जितने भी टैक्स जो है इंक्रीज किए जाने लगे लोगों पे और उससे सेना का खर्चा उठाया जाता था तो ये सौ सालों तक इंग्लैंड की जो सिचुएशन थी बैकग्राउंड में आप समझ सकते हैं कि वो किस तरीके से बुरे तरीके से इंग्लैंड को प्रभावित कर रही थी और इन हंड्रेड ईयर वॉर्स में ऐसा भी नहीं था कि हर वॉर को फ्रांस जीत रहा हो या इंग्लैंड जीत रहा हो कहीं पर किसी क्षेत्र में कभी फ्रांस कब्जा कर लेता था तो कभी इंग्लैंड और सीरीज ऑफ वॉर चलते थे जो जिस जगह पे होते थे उस जगह के नाम से उस वॉर का नाम रख दिया जाता था तो ये पहली घटना थी जो चौसर के बैकग्राउंड में थी और जिसके कारण मैंने बताए और ये हंड्रेड ईयर वॉर एक सबसे बड़ा जिसे कह सकते ऑब्स्ट्रक्शन था जो इसके इंग्लैंड के डेवलपमेंट के खिलाफ जा रहा था और इंग्लैंड इसकी वजह से गर्त में जा रहा था और जो है डाउन जा रहा था इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट में जो दूसरी घटना चौसर के बैकग्राउंड में आती है वो है द ब्लैक डेथ हम ब्लैक डेथ को सिर्फ इतना जानते आए हैं कि ब्लैक डेथ प्लेग का नाम था लेकिन ब्लैक डेथ ने किस तरीके से कंट्रीब्यूट किया है चौसर एज में उसकी जो टेक्निकलिटीज हैं उसको समझना बहुत जरूरी है तो लेके चलता हूं आपको इसी में देखिए कुछ अच्छे क्वेश्चन आपके लिए ला रहा हूं इसे नोट कीजिएगा ब्लैक डेथ को एक और चीज से जाना जाता है जिसको हम पेस्टिलेंस कहते थे तो पेस्टिलेंस एक और नाम है ब्लैक डेथ का उसके अलावा इसको द ग्रेट मॉर्टालिटी भी कहा गया अपने डेथ रेट के कारण और इसको द प्लेग कहते हैं ये आप सभी को पता है तो इस तरीके से पेस्टिलेंस या द ग्रेट मोर्टेलिटी एक और नाम है ये एक ब्यूबोनिक प्लेग पेंडेमिक था ब्लैक डेथ और कुछ नहीं बल्कि प्लेग की महामारी थी और इसमें अगर आप फिगर में देखें तो इस तरीके से पहले काले काले स्पॉट्स या जिसे चकते कहते हैं वो आपके ज्यादातर आम पिट्स में कोनियों में आम्स में और ऐसे शुरू होते थे और जिसमें फिर धीरे धीरे आप देखते थे कि वो पस भरना शुरू होता था और इस तरीके से वो फिर और खराब होने लगते थे धीरे धीरे जो ज़्यादा जबरदस्त सिचुएशन थी उसमें पूरी बॉडी फिर काली होके क्रैक होने लगती थी तो ये बड़ा जबरदस्त भीषण इन्फेक्शन था जो चूहों से फैलता था और ये चूहे सिर्फ इसलिए थे इन चूहों को लाने में हंड्रेड ईयर वॉर का भी योगदान है क्योंकि जहाज जब एक तट से दूसरी जगह पे सैनिकों को लाते ले जाते थे उसमें रसद होती थी उन रसद में जो है चूहे खाने के लिए घुस जाते थे और ये इन्फेक्ट करते थे चीजों को और ये एक जगह से दूसरी जगह और दूसरी जगह के चूहे यहाँ और इस तरीके से इन्फेक्शन फैलता चला गया और चूहों की स्किन में उनकी जो स्किन होती है तो स्किन में एक तरीके का एक खास वो पैरासाइट होता है जो इन्फेक्ट करता है जिसको हम फ्ली कहते हैं तो स्किन में उनके ये बेसिकली ये फ्ली पाया जाता था और इसी की वजह से तो वो इन्फेक्शन फैलता था तो सबसे पहले ब्यूबोनिक प्लेग ने तेरह में दस्तक दी इंग्लैंड में और लगभग इंग्लैंड की 50 परसेंट जनता जो है इसमें पूरी तरीके से फिफ्टी परसेंट पीपल डाइड इन इंग्लैंड एक ही बार में और इसको रोकना मुश्किल हो गया और अभी ये कुछ कंट्रोल हो पाता उससे पहले ही ये तेरह 1367, बासठ तेरह सड़सठ तेरह सत्तर तीन बार इंग्लैंड में और रिपीट हुआ तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कितनी ज्यादा लोग मरे होंगे एंड वन थर्ड ऑफ पॉपुलेशन जो इंग्लैंड की थी वो पूरी तरीके से स्वाइप हो गई देख सकते हैं आप फिगर में कि किस तरीके से लाशों के ढेर आपको दिख रहे हैं लोग उठाते उठाते थक गए सामूहिक कब्रें होती थी मास ग्रेव यार्ड जैसे कहते हैं और सीधे गाड़ दिया जाता था और लोगों में भयानकता का माहौल था डर का माहौल था यू हैव ऑल ऑलरेडी गॉन थ्रू द पेंडेमिक कोरोना एंड इन सो डिवेलप्ड स्टेट ऑफ द वर्ल्ड अभी आपने इतनी डिवेलप्ड स्टेट में को, कोरोना का कहर देखा है तो फिर उस समय जब मेडिसिन और ये वन थर्ड ऑफ पॉपुलेशन को इंग्लैंड के स्वाइप कर गया था प्ले और स्वीप कर चुका था और सबसे बड़ी बात ये थी कि इसकी कोई जानकारी नहीं थी लोगों को और इसके बारे में लोग कुछ जानते नहीं थे तो ब्लैक डेथ ने क्या क्या हानियां की इंग्लैंड में देखिए इकोनॉमी इंग्लैंड की पूरी तरह कलेप्स हो गई पूरी तरह पूरी इंग्लैंड की एक तरफ इकोनॉमी वर्ल्ड वॉर सॉरी की वजह से थी हंड्रेड वॉर की वजह से दूसरी तरफ ब्लैक डेथ अब ब्लैक डेथ में क्या हुआ कि ज्यादातर गंदी जगहों पे जहां चूहों का अप्रोच होता है वहां पर पुअर लोग रहते हैं तो पुअर बहुत ज्यादा सफर किए थे इसमें और पुअर तबका सबसे ज्यादा आप जानते हैं कि पीजेंट्स या सर्फ थे उस समय जो सर्फ ड्रम था उसको मैं अभी एक फिगर के थ्रू जब अब बाद में बताऊंगा कि कैसे वो हायरार्की थी जिसे मैंने शायद एंग्लो नॉर्मन एज में भी बता दिया तो पीजेंट सबसे नीचे थे जिनको गुलामों की तरह रखा जाता था और बिल्कुल उन्हें सिर्फ जीने के लायक दिया जाता था और वो उनके खेतों में काम करते थे लैंडलॉर्ड के तो वो सर्फ ड्रम कहलाता था जिसमें स्लेवरी सॉर्ट ऑफ होती थी और सर्फ एक किसानों को कहा जाता था तो ये जो ये लोग थे ये क्योंकि सबसे नीचे तबका था तो सबसे ज्यादा मरने वाले लोग भी यही थे अब ये मरेंगे तो क्या होगा देखिए मजदूरों की कमी हो जाएगी ठीक है तो इसलिए इसका भी हमने बेसिकली एक इम्पैक्ट समझना है तो ये भी हम इसको समझेंगे अब उसके बाद क्या होता है ज्यादातर लोग गांव छोड़ के चल देते हैं और गांव छोड़ के चलने की वजह से जो है लोगों में बेसिकली गांव के गांव खाली हो जाते हैं चर्च बहुत वीक हो जाता है ऑथोरिटीज वहां से अपने कोई जिम्मेदारियां नहीं निभाती किसी की हेल्प नहीं करती और लोग चर्च के काफी खिलाफ हो जाते हैं कि हम चर्च को इतना देते हैं और इतना टैक्स देते हैं दे आर नॉट हेल्पिंग अस और जो ऊपर से गवर्नमेंट की जो सप्रेसिव पॉलिसी थी और ऊपर से टैक्स थोपा जा रहा था जो वो इनकी जिंदगी को और हेल्प बना रहा था पूरी तरीके से लोग आक्रोशित थे और उनके अंदर एक क्रांति का बीज पल रहा था वर बिकमिंग हाईली रिवोल्यूशनरी तो ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है जिसको हमें समझना है कि लोग बहुत ज्यादा रिवोल्यूशनरी हो चुके थे और इस तरीके से ये सब चीजें चल रही थी तो ये था ब्लैक डेथ और इसमें जो मैंने कुछ फैक्ट आपको बताए हैं किस एज में आया और किस एज में रिपीट हुआ इनको आप याद रखिएगा अब तीसरी घटना जो बहुत शानदार घटना है जिसके बारे में भी हम लोगों ने बहुत कम सुना और समझा होगा वह द दीजेंस रिवोल्यूशन या पेजेंस रिवॉल्व पेजेंट रिवॉल्ट जो है ये किसानों की एक महान क्रांति थी ये वही किसान है जो या तो सर्फ है या जिनके वहा बहुत छोटे लैंड है और बेसिकली ये लोग अपने एक दिन गवर्नमेंट की सप्रेसिव पॉलिसीज की वजह से एक दिन अपना आपा खो देते हैं और एक रिवोल्यूशन करते हैं उस रिवॉल्यूशन की मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं कि सबसे पहले यह होता है कि हम जब देखते हैं कि जब किसान इतनी बुरी तरीके से दबे और कुचले लोग होते हैं तो इनके बीच में एक रिवॉल्यूशन पनपरी होती है क्योंकि अपनी हर चीज से छुटकारा चाहते हैं तो तेरह सो में ये रिवॉल्यूशन होती है जो हमें याद करना चाहिए और कई बार पूछा भी जाता है तो इसका कारण क्या था देखिए सबसे मेन कारण इसका था कि जो डिसकंटेंटमेंट था वो पहले से ही चला आ रहा था एडवर्ड थर्ड की एज से जब से वो आया था और फिर ब्लैक डेथ ने उन पॉलिसीज़ की वजह से और खराब लोगों की सिचुएशन कर दी थी अब हुआ क्या कि एक पोल टैक्स इंपोज किया गया पीजेंस पे जो पोल टैक्स पहले भी इंपोज किया जा चुका था और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि एडवर्ड थर्ड ने 27 बार अपने पोल टैक्स को बढ़ाया था लोगों के ऊपर 27 टाइम्स इतना लोग पहले से ही त्रस्त थे उसके बाद ब्लैक डेथ की आगमन हुआ तो आप जान सकते हैं और जो लेबर कॉस्ट थी वो ड्रामेटिकली बढ़ रही थी क्योंकि ब्लैक डेथ में मैंने अभी बताया सबसे ज्यादा मरने वाले किसान थे तो किसान और या सर्फ कम होते जा रहे थे तो उनकी जाहिर से कीमत बढ़ रही थी क्योंकि उनकी कमी हो रही थी और लैंडलॉर्ड्स जो है बेसिकली जो फ्री लेबरर्स थे उनको भी सर्फ में बदल रहे थे जबरदस्ती गुलाम बना रहे थे और एक एक्सप्लॉयटेशन की जनरल फीलिंग थी और ऐसे में पोल टैक्स को बढ़ा दिया गया और पोल टैक्स इतना बढ़ा दिया गया कि वो कोई भी इससे अछूता नहीं रहा और ऊपर से ये भी बोल दिया कि जो भी पंद्रह साल के ऊपर है उन सबको टैक्स देना पड़ेगा तो ये थ्री टाइम्स हाइयर था पहले के टैक्स से और पीजेंट्री एक किसानी किसान वाली जो कम्युनिटी थी वो देते देते वैसे ही थक गई थी तो हुआ क्या था कि इसी वजह से किसानों के अंदर एक आक्रोश था और ऊपर से सर्फ ड्रम वाले सिस्टम से लैंडलॉर्ड के एक्सप्लाइटेशन से वो लोग बहुत परेशान थे तो इस तरीके से इन्होंने किसानों ने क्रांति कर दी लैंडलॉर्ड का इस तरीके से हो गया था एक बेसिकली uh, कहते हैं कि लोग कहने लगे थे कि लैंडलॉर्ड पूरी तरीके से शैतान का रूप है ये मानने लगे थे और uh, जो किंग की पॉलिसीज हैं वो उनको खत्म कर देंगी तो अब होता क्या है आ, जून तेरह में इंग्लैंड के साउथ ईस्ट एरिया से ये घटना शुरू होती है और इस घटना में एक रॉयल इंस्पेक्टर होता है टैक्स इंस्पेक्टर वो वहां टैक्स को जमा करने आता है और ये जब वहां पर आता है तो इन ऑफिशियल्स पे किसान लोग आक्रोशित होकर हमला कर देते हैं और जब वो हमला कर देते हैं तो इनको मर्डर कर दिया जाता है और इस तरीके से यहां से जो है इस क्रांति की शुरुआत हो जाती है और उसके बाद इन इस क्रांति का जिम्मा दो लोग ले लेते हैं एक वेट टाइलर हैं आपको पता है और दूसरे हैं एक प्रीस्ट होते हैं जिनका नाम होता है जॉन बॉल तो वेट टाइलर आप सभी ने सुना होगा और वेट टाइलर को हम मानते हैं इसका लीडर दूसरे जॉन बॉल हैं बी ए एल एल और इसके अलावा तो वेट टाइलर इसकी कमांड संभालते हैं और वेट टाइलर और जॉन बॉल को इसका पूरा कमांड मिलता है और इस तरीके से ये लोग हमला कर देते हैं और ये करते हुए हमला इनको किसानों का सपोर्ट मिलता है और लंदन तक पहुंच जाते हैं और लंदन में पूरा सेवोय प्लेस पूरा कब्जे में कर लेते हैं वहां ट्रेजरार वगैरह सबको जो है कत्ल कर दिया जाता है तो उस समय तक राजा रिचर्ड सेकंड आ गया होता है और रिचर्ड सेकंड बेसिकली इनसे मुलाकात की इच्छा जताता है तो जब वो मुलाकात करता है तो ये अपनी जिन डिमांड्स को उनके सामने रखते हैं वो मैंने आपके लिए लिखी है जिससे आपको पता चल जाए कि क्या इनके डिमांड्स थी ये कहते हैं कि हमें टोटल एबोलिशन चाहिए सर्फ ड्रम का और लेबर लॉज जो है उसमें ब्लैक डेथ के बाद जो है वो जितने वेजेस उनके लिमिटेड कर दिए गए हैं क्योंकि हम लोग डिमांड कर रहे थे ज्यादा तो उनसे कहा इससे ज्यादा डिमांड नहीं कर सकते इसको हटाया जाए हमें फिशिंग और हंटिंग के राइट्स दिए जाए जिससे हम कुछ कमा सके और पार्टिसिपेंट्स में पिजेंट्स जो है किसान है इनको गवर्नमेंट में भी पार्टिसिपेशन दिया जाए और जो राजा है वो एक ऑथोरिटी बन के रहे और लोकल लॉर्ड्स कोई ऑथोरिटी बन के नहीं रहे नहीं तो लोकल लॉर्ड्स अपने को राजा समझने लगते हैं हम राजा के प्रति वफादार हैं लेकिन इन लोगों के एक्सप्लेशन के आगे नहीं झुक सकते चर्च की जो धन है उसका रिडिस्ट्रीब्यूशन हो और जो महान चर्च जिसमें इतना खर्चा जाता है उसके बारे में जो है खर्चे को कंट्रोल किया जाए और हमसे वो टैक्स वसूल के जो है, जो है चर्च पे फायदा ना हो तो लोगों की ये भी धारणा बन गई थी देखिए क्वेश्चन आ सकता है कहा है ये लोग ऐसा फेमस लाइन अमंग पीपल लोग के बीच में लाइन थी कि जो लैंडलॉर्ड हैं लोकल लॉर्ड्स हैं उनके बारे में कि व्हेन एडम एडम एंड ईव ईव स्पेन हु वाज देन द जेंटलमैन जब Adam और जैसे जो शुरुआती वो लोग थे वो जेंटलमैन नहीं रहे तो इंग्लैंड के अंदर और जेंटलमैन की आप छोड़ ही दो कोई भी यहां जेंटलमैन नहीं है तो इस रिवॉल्यूशन में पहली बार राजा ने इसमें कई मांगे मांगने को कहा और वेट टाइलर ने राजा के एक क्रूअल जो एक चांसलर था उसकी डेथ की भी डिमांड की और उसको बिहेट किया गया राजा ने वो भी मान लिया और इन्होंने साफ बताया कि हम राजा के खिलाफ नहीं लेकिन कुछ दिनों बाद ये लोग और आंदोलित होते हुए इन्होंने कई जगह पे और कब्जा जमा लिया और इन्होंने ये गलती कर दी इन्हें लगा कि हम लोग पावरफुल हैं लेकिन इस बार रिचर्ड सेकंड तैयार था रिचर्ड सेकंड ने स्मिथ फील्ड नाम की जगह में फिर से वेट टाइलर लोगों को बुलाया और इस बार उनसे फिर से बात करने की शुरू की जैसे ही रिचर्ड सेकंड आगे बढ़ा तो स्मिथ फील्ड में उनके एक मेयर ने मेयर ऑफ लंदन था उसने वेट टाइलर का कत्ल कर दिया और इस तरीके से इनका लीडर मारा गया तो जैसे ही लोगों ने यह देखा अपने साथ तो रिचर्ड ने बड़े बोल्डली बोला राजा ने आगे आके सर वुड यू किल योर किंग आई एम and I will कैप्टन एंड आई विल बी योर लीडर लेट ऑल follow मी आप अपने राजा को कत्ल करेंगे मैं ही सबसे जबरदस्त और सबसे सही कैप्टन हूँ और मैं तुम्हारा लीडर बनूंगा और जो लोग जो मुझे, सारे लोग जो मुझे प्यार करते हैं मेरे साथ हैं और मैं उनका साथ दूंगा तो रिचर्ड उसके बाद बहुत ही बड़ी तेजी से रिटेलिएट करता है और तुरंत वो अपने सैनिकों को ऑर्डर देता है इसको दबाया जाए रिवोल्यूशन को और अराउंड 150 जो रिबल्स हैं उनको मेन रिबल्स को पकड़ के फांसी दे दी जाती है वेट टाइलर का सर काट के लंदन ब्रिज में लटका दिया जाता है और कई आउटब्रेक होते हैं रेबिलियन के उसके बाद लेकिन सबको क्रूरता से कुचल दिया जाता है जितने रिंग लीडर्स होते हैं इनके छोटे मोटे उन सबको एग्जीक्यूट किया जाता है और उनको देशद्रोही करार दिया जाता है और किंग बोल्डी कहता है ये लोग विलेन है और हमेशा विलेन रहेंगे तो इस तरीके से हालांकि इनकी मांगे मान ली गई सर्फ ड्रम का एंड हुआ और किसानों को जो है उनकी जमीनें भी मिली और बहुत कुछ नया हुआ लेकिन साथ ही साथ राजा ने संदेश देने में भी कसर नहीं छोड़ी कि अगर आप कुछ राजा के खिलाफ जाओगे तो आपको उसके लिए भुगतना पड़ेगा तो इस तरीके से ये तीन घटनाएं जो है मैंने अभी तक सोशल बैकग्राउंड में आपको बताई जिनकी वजह से ये चौसर के बैकग्राउंड की पूरी फॉर्मेशन होती है और इन फॉर्मेशन की वजह से पूरा जो आगे का एज है वो किस तरीके सफर करती है वो हम आगे कनेक्ट कर सकते हैं तो इसमें कई पॉइंट्स थे जो आपके नोट करने लायक थे और दूसरी एज में मैं मिलूंगा जिसमें चौसर के एज के लिटरेरी एस्पेक्ट को बेसिकली uh, डिस्कस करेंगे क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है और तीसरी एज में हम तीसरी स्लाइड में हम करेंगे चौसर और उसके साथ के राइटर्स को तो दोस्तों आशा है कि आप लोग इसको एंजॉय कर रहे होंगे और आप लोग बेसिकली uh, जरूर इस पूरे अ मैटर को नोट कर रहे हैं और मेरे साथ साथ चल रहे हैं और मैं ऐसे ही कुछ लेक्चर लाते रहूंगा जो आपके नोट्स मेकिंग में बहुत हेल्प करेंगे और तरह तरीके से आपके जो स्किल्स हैं लिटरेरी उनको अपनी ओर से पूरी तरीके से ग्रूम करने की कोशिश कर रहा हूं और कोर्सेज के अगर आपको डिटेल देखनी है तो आप ये हैं और मेरा कांटेक्ट नंबर है आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं याद रखिएगा इसको सब्सक्राइब करना कमेंट करना न भूलें और लोगों से शेयर करना बिकॉज यूअर इंस्पिरेशन इज माई इंस्पिरेशन सो यूअर सपोर्ट इज माई इंस्पिरेशन मिलते हैं दोस्तों फिर से थैंक यू हैव ए नाइस डे